गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और डुगू अभी गया है स्कूल और डुगू के डैडी के ऑफिस स्टार्ट हो गए, तो वो भी ऑफिस गए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज इतने दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद डुगू के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो मैं ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। उसको पढ़ाती रहती थी क्योंकि उसका जो गैप हुआ था उसको भी कवर कराना था, तो इसी वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं अभी तक बना पाया। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और जब से कोलकाता से आई हूँ तब से विनी को बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ, और मेरे से ज्यादा तो विनी मुझे मिस करती है। वहाँ पर किसी तरीके से प्रीति भैया बहला देते हैं उसको कि बुआ आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, लेकिन बहुत मिस करती है। डेली फोन आते हैं और वीडियो कॉल पे बात होती रहती है उससे। तो अभी डुगू भी थोड़ी देर में आ जाएगा स्कूल से। तो डुगू के आने की टाइमिंग है 2 बजे की, और 2:30 बजे तक वो घर पर आ पाता है, और उसको भी अभी लेने जाना है। तो अभी तो काफी टाइम है और मैंने लंच वगैरह भी सब रेडी कर दिया था। अब फिर देखते हैं डुगू जो भी खाएगा वो मैं बना दूंगी फटाफट से। मैंने यहाँ पर अभी अपना सामान भी अनपैक नहीं किया है, तो इसे भी अनपैक करने में टाइम लगेगा, तो ये काम भी बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, डुगू अभी स्कूल से आने वाला है, तो मैं उसे अभी लेने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, आ जाओ चलो। सो फ्रेंड्स, डुगू भी अभी स्कूल से आ गया है। और कैसा रहा दिन आज का? आज बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स। और एक्टिविटी की थी कोई? आज कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। तो क्या हो रहा है, मस्ती हो रही है स्कूल से आने के बाद? डुगू के कितने सारे टीथ आ गए। क्या खाएगा खाने में? मैगी। मैगी कौन सी वाली? वेजिटेबल। और ग्रीन चिली वाली बना लूँ तो? ग्रीन चिली भी डाल लूँ। ग्रीन चिली तो नहीं, सिर्फ ग्रीन चिली वाली बना लूँ? नहीं मम्मा, वेजिटेबल। टमाटो अनियन वाली? हाँ। ठीक मम्मा, है वैसी मम्मा जो प्रीति ने बनाई थी। प्रीति ने बनाई थी? हाँ। अब प्रीति की मैगी खाने के लिए प्रीति के पास जाना पड़ेगा। नहीं मम्मा, प्रीति जैसी मैगी आप ही बना लीजिए। ठीक है, बना देते हैं। तो यहाँ पर डुगू के लिए मैगी बना देते हैं। तो सिंपल सा तरीका है ये बनाने का, वेजिटेबल मैगी। इसमें बस थोड़ा सा ऑयल डाला और ग्रीन चिली डाली, थोड़े से अनियन डाले और टमाटो डाल के इसको चला दिया, और बस टेस्ट मेकर डालकर बस मैगी डाल दी और बन गई मैगी। और हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था। तो मैगी बनाना तो सभी को आता होगा, आप सभी बना लेते होंगे अपनी अपनी तरीके से, काफ़ी अच्छा बना लेते होंगे, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो डुगू को ये वाली मैगी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी मैगी बिल्कुल तैयार, और अब डुगू को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना बैग अनपैक कर रही हूँ, और मैं कलकत्ता से जो सामान लेकर आई थी उसमें से कुछ आइटम तो इतना प्यारे हैं, तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। और अभी बैग अनपैक कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। मैं तो साड़ी अपने लिए लेकर आई थी, 2 साड़ी बहुत अच्छी लगी थी और कलर भी इसके बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं अपने लिए लेकर आई थी। साइड में भी रखते हैं, बाद में दिखाऊंगी आपको। और ये मैं लेकर आई थी फ्रेंड्स पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग की कॉपी है, डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है। और ये पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, और कलकत्ता में ये पेंटिंग गिर गई और इसका जो कांच था ना वो टूट गया, तो इसको अच्छे से ना रैप करके मैं पेपर में ले आई थी। यहाँ पर आकर मैं सही करवा लूँगी और तब उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। आप देखना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेंटिंग है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत सुंदर है। और दिखाती हूँ मैं आपको, और भी मैं पेंटिंग्स लेकर आई थी। और ये है पेपर पे, ये डुगू के मावा लेकर आए थे, डुगू के लिए, विनी के लिए लेकर आए थे यूनिकॉर्न, और डुगू के लिए पेपर पे लेकर आए थे। तो फिर कैसा लगा डुगू मावा का गिफ्ट? अच्छा, अच्छा है ना? वैसे खेल लेना, बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, वो खेल लेगा। और फ्रेंड्स, ये भी कुछ सीनरी है, और ये भी मैं लेकर आई थी, बहुत ज्यादा प्यारी है, उसको मैं अभी ओपन करके आपको दिखाऊंगी। और ये है फर्स्ट पेंटिंग, पेंटिंग बोलिए, सीनरी बोलिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये 3 का सेट है जो मैं लेकर आई थी, और प्रीति भी सेम इसी तरीके की पेंटिंग लेकर आई थी घर के लिए, बहुत प्यारी लगी थी हमको, वर्ल्डली आर्ट है, इस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये एक ये वाली है, इसमें एक ये वाली है, ये देखिए कलर थोड़ा डिफरेंट है, एक ये वाली है, ये देखिए बहुत सुंदर है। तो ये मैं लेकर आई थी वहाँ से, एक स्टेप को मैं बैग लेके आई थी अपने लिए, तो बहुत प्यारे लग रहे थे वहाँ पर, बहुत क्यूट से बैग है छोटे से। ये मैं मैट्स लेकर आई थी, उड़ीसा गई थी तब मैं लेकर आई थी वहाँ से, ये मैंने चंद्रभागा बीच से लिए थे सारे मैट्स, तो वो आपने मेरे पहले के ब्लॉग में देखे होंगे, जो मैं चंद्रभागा बीच गई थी, तो वहाँ से मैंने जो इसको
खरीदा था तो वहाँ पर आपने देखा होगा, तो ये वही वाले मैट्स हैं, जगन्नाथ जी हैं, तो मैं लेकर आई थी देने के लिए सबको। फ्रेंड्स मैं इसमें ना की होल्डर लेकर आई थी, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ये देखिए इस पर गणेश जी बने हुए हैं और ये की होल्डर है, इस पर भी गणपति है और देखिए इसको भी दूसरे तरीके से बने हुए हैं, तो ये भी की होल्डर है, इस तरीके से आप लगा सकते हो वॉल पर। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेकर आई थी घर के सब लोगों के लिए साड़ियाँ, मम्मी के लिए और बेबी के लिए, और वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जब मैं घर जाऊंगी, तो मैं जब उनको दूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी एक बैग मैंने ओपन किया है तो उसमें से ये वाला सामान निकला है, और अभी मुझे दो बैग और ओपन करने हैं तो वो भी कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स आज डिनर में बनाई है मैंने पनीर भुर्जी और इसके साथ में मैंने बनाए पराठे। सो फ्रेंड्स अभी ये भी ऑफिस से आ गए हैं और बहुत गर्मी है बाहर, कल त्योहार है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ होगी मार्केट में, तो मैं तो पहले से ही सारा सामान ले आई थी और ये अभी आए हैं। चलिए फटाफट से डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी, मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।